जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की। और मैं ही नहीं बल्कि सभी ये जानने को इच्छुक है कि किस तरीके से मैं बचपन से, जैसे मैं भी देख रही हूं कि एक सफलता और असफलता के बीच में आप हो अभी। मतलब ना तो सफलता को अगर मैं कहूँ पूरी तरीके से सफल है ना असफल है, तो इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन मेरे से एक दिन पहले है, आज रिकॉर्डिंग हो धन्यवाद। रही है, तो सुबह सुबह जैसे पता लगा फेसबुक पे रिमाइंडर आया, तो मैं आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। तो अब सफलता और असफलता के बीच की जो बात आप कह रहे हो कि भाई आप इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 25-30 सालों से आप साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको उसी स्थिति में देखा जैसा स्थिति में पहले थे और ऐसे स्थिति में आज, तो उसमें क्या होता है कि सफलता और असफलता कई फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। वो फैक्टर्स चाहे मतलब एक तरह से परिवार की तरफ से हो, चाहे दूसरों की तरफ से हो, या अपने जो एक एक प्लानिंग कर रखी है उस प्लानिंग पे चलने में कहीं दिक्कत आ रही हो, जैसे जो हम प्लानिंग लेके चल रहे हैं उसके जो मंजिल पे कहीं हमें जाना है रास्ते में रुकावट है, तो वो एक सफर को, छोटे सफर को लंबा सफर में तय कर देती है। जो चीज 5-6 साल में अचीवमेंट करनी थी वो 20-22 साल तक उस चीज में समय लगता है। तो इसीलिए अपने आप को असफल भी नहीं मानते और हम सफल भी नहीं मानते, लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में हमने जो डिसाइड कर रखा है उस मंजिल तक हम अवश्य पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहा है? मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन रही है वो कानपुर और बेंगलोर में रही, उसके बाद जो स्कूल है हायर सेकेंडरी और जो सेक्शन था वो सेंट्रल स्कूल से रहा, आदमपुर और तेजपुर, ये दो जगह से, आसाम में तो तेजपुर में और पंजाब में आदमपुर से, मतलब जो स्कूली एजुकेशन थी वो कंप्लीट करी। उसके बाद मैं पहले 11th 12th नहीं हुआ की जगह पे कॉलेजेस में प्रेप और प्री इंजीनियरिंग हुआ करती थी, तो मैंने प्रेप साइंस साइड से करी, उसके बाद प्री इंजीनियरिंग करी। तो मेरे भी कुछ सपने थे कि मैं एक ऊपर तक पहुंचना चाहता था, जो मेरा टारगेट था वो एक अलग थी, मैं पब्लिकली इतना ज़्यादा मिक्सअप भी नहीं था और मेरी जो इमेज थी उस वक्त एक फिलोसफर की तरह थी, और जो मैं लक्ष्य लेके चला था, क्यों उस वक्त मेरे को एक सबसे बड़ा जो शौक था, जब अपने एजुकेशन हमारी कंटिन्यू थी स्कूल लेवल पे, तो उस वक्त क्या था कि मैं ये शिप्स वगैरह के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंड करता था कि भाई रूस ने कौन सा रॉकेट कब छोड़ा, अमेरिका ने कब कौन सा रॉकेट छोड़ा, और उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए आसमान में, कि कहाँ मतलब लाइफ है कहाँ नहीं है, इन चीज़ों पे मैं लगभग 6th 7th से स्टडी करता आ रहा हूँ। तो एक बार की बात है कि जब मैं 9th में पढ़ रहा था तो उस वक्त 9 ग्रह एक ही लाइन में आने थे, 9 ग्रह एक ही लाइन में आने थे, मेरी जिज्ञासा हुई कि भाई 9 ग्रह मुझे देखने हैं, तो मेरे पास कोई देखने का कोई साधन नहीं था, कहीं भी किसी तरह का कोई मतलब कोई सपोर्ट नहीं थी, तो मैंने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए और फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मैं साइंस साइड में ज्यादा इंटरेस्ट था, फिजिक्स मेरे सब्जेक्ट थे, तो उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने पहला जो बनाया था एक टेलीस्कोप बनाया था लगभग 2 मीटर लंबा, और जिससे सारे ग्रह तो नहीं देख पाए लेकिन हाँ 4-5 मैंने जरूर जो नजदीक नजदीक के थे वो मैंने टेलीस्कोप से देखे। बहुत बढ़िया। आपने जैसे मैं बताया मतलब आपको, इसके बाद ना मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहता था। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यहाँ अपने नॉर्थ इंडिया में सिर्फ चंडीगढ़ में थी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में थी, लेकिन क्या था उसी ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी को गोली लगी, इंदिरा गांधी एक्सपायर हुई, इंदिरा गांधी की वजह से जो था वो पंजाब में जो आतंकवाद था उसके लपेटे में मैं आ गया, जो पहला सेक्शन था वो ओवर टाइम चला गया, और जो प्री इंजीनियरिंग का सेक्शन था जो मतलब प्री इंजीनियरिंग कर रहे थे जिनमें 50% मतलब नंबर लाने जरूरी थे ताकि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने में, उसमें 49.5% में नंबर लेके आया, सिर्फ मात्र 3 नंबर से मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने में रह गया। जैसे कि आपने बताया आपको फिलोसफर थे और फिलोसफी में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, तो हम देखते हैं जब आपकी कोई न्यूज भी आती है ना, इतने अच्छे शब्दों के साथ आप पूरा डिटेल करते हैं मैसेजेस को, तो उसी से अच्छा लगता है कि किस तरीके की फिलोसफी आपकी रही है। और इसी के आगे बढ़ते मैं पूछना चाहूंगी कि जैसा मैंने आपको देखा है संघर्ष पूर्ण आपकी जिंदगी रही है, तो आपका क्या अनुभव रहा है उसको साझा करिए।
जब कोई नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है और जिसमें दूसरे लोगों को नहीं पता होता कि भाई, एक तो होता है कॉपी एंड पेस्ट, मतलब सामने वाला कोई चीज कर रहा है उसकी कॉपी एंड पेस्ट करना आसान है, लेकिन अपना टारगेट लेके चलना, अपना रास्ता ढूंढना, तो नेचुरली संघर्ष तो करना पड़ेगा। मोहम्मद गौरी का उदाहरण ले लो, मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ के मंदिर पे हमला करने के लिए 17 बार हमला करा, जब जाके उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो जब वो कमजोर नहीं थे, तो इतने कमजोर हम भी नहीं कि जो मलदार में अपना रास्ता छोड़ दें। लोग आपके पर्सनल जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। पर्सनल जीवन किस तरीके से, मतलब पर्सनल जीवन, पर्सनल लाइफ आपका, फैमिली बैकग्राउंड? देखो, फैमिली लाइफ में थोड़ा सा अंतर सबसे बड़ा ये था कि जो परिवार की जो मेंटेलिटी थी वो एक नौकरी तक सीमित थी। परिवार ये तो चाहता था कि भाई पढ़ लिख करके पवन नौकरी करे, ये करे, लेकिन क्या था, हम अगर एक पीढ़ी बैक पे जाएं या दो पीढ़ी बैक पे जाएं, तो जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी गरीबी में निकला हुआ है। तो जब ये सोचा कि हमने कि भाई कि जब इतना हम आगे बढ़ रहे, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने को बहुत इच्छुक है, तो आप थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ के बारे में भी साझा करें। पर्सनल लाइफ के बारे में ये है कि भाई पेरेंट्स की जहाँ बात थी, पेरेंट्स एक सर्विस, उनको चाहिए था कि लड़का मतलब सर्विस करे और एक कमाए, लेकिन उनको इससे कोई लेना नहीं था कि भाई उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, वो कुछ करना चाहता है। तो मेरा ये अनुभव रहा कि जो हमारे रिश्तेदारी और जो बैकग्राउंड रहा फैमिली का, वो काफी, मतलब एक पीढ़ी नहीं, उससे दो बैक की पीढ़ी रही है, वो गरीबी में निकली है। इसलिए कुछ जब पढ़े लिखे, जब कुछ पढ़े हैं, हमने कुछ अंडरस्टैंड करा है, तो हम चाहते हैं कि भाई जो हमारे एक्सपेक्ट करते हैं लोग हमसे, उस चीज़ को भी हम पूरा करें। उनकी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी कि भाई पवन नौकरी करने लग जाए, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि समाज को भी उठाना है और खासकर पिछड़े हुए समाज को भी उठाना है। तो मेरे चाहने वाले तो यही चाहते हैं सर्विस के बजाय। जितना मैंने आपको देखा है कि आपका जो प्रिंट मीडिया में भी आपके डायलॉग स्क्रिप्ट राइटिंग रहती है वो बेहद अच्छी रहती है, और जब आप डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो शायद पहले आप ही थे जब आपने डिजिटल अपना चैनल स्टार्ट किया। और उसी के साथ मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि क्या आपको कभी जीवन साथी की जरूरत लगी? नहीं, अभी दो क्वेश्चन हो गए ना। पहला क्वेश्चन तो मीडिया से संबंधित है। मीडिया से संबंधित ऐसे है, जब आदमी संघर्ष करता है तो उसे किसी से मोह नहीं रह जाता। मींस मैं क्या लिखूंगा, सामने वाला नाराज होगा या खुश होगा, उस चीज को लिखते टाइम मैं नजरअंदाज कर देता हूँ। मतलब जो मुझे सही लगता है, मतलब उस वक्त मैं ना दुश्मन को समझता हूँ ना दोस्त को समझता हूँ, तो इसलिए शब्द अपने आप ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आते हैं और वही शब्दों का इस्तेमाल, कंट्रोवर्सीज हो जाती है, फिर वो कंट्रोवर्सी होती है, वो फेस करते हैं। कुछ दिन जो नाराज थे कुछ दिन नाराज रहते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें पता है कि भाई इन्होंने मेरे से तो नाराज है, दूसरे वाले की भी ऐसे ही करते हैं, तो वो फिर राजी हो जाते हैं। जीवन साथी की जरूरत आपको लगी? इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा, मतलब इसका जवाब बड़ा टिपिकल रहा है। देखो, लाइफ जब है, यूथ जब हम थे आज से 20-25 साल पहले, हालांकि हैं तो आज भी यूथ ही, लेकिन उस वक्त क्या है कि एक एज होती है, अट्रैक्शन तो नेचुरली इसके प्रति होता ही है, और जब अट्रैक्शन होता है तो आगे प्लानिंग भी होती है, प्लानिंग होती है तो फिर इच्छा भी होती है कि भाई, लेकिन कंडीशंस कई चीज कई बार क्या होता है कि दूसरों पर डिपेंड होती है, तो दूसरों पर डिपेंड होती है। मान लो कि भाई कहीं हमारी लाइकनेस रही हो, सामने से इग्नोर हो, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां कई बार आ जाती हैं जो लाइफ को डाइवर्ट कर देती हैं। हाँ, एक चीज का जरूर महसूस होता है कि पर्सनल लाइफ की जहाँ बात है कि भाई किसी पे डिपेंड होना तो नहीं सीखा, लेकिन ये कि हाँ, लोग जब टॉन्टिंग वे में कहते हैं किसी चीज को, बात को, कि भाई क्या कारण रहा, तो कारण कई भी हो सकते हैं, हो सकता कहीं ना कहीं असफलता रही हो। मुझे ये जानना है कि जीवन साथी आवश्यक है या नहीं आपके अनुसार? अगर वो तालमेल करके चले तो बढ़िया है, अगर एक कंट्रोवर्सी चले कि भाई जब एक नॉर्थ पोल की तरफ चले और एक साउथ पोल की तरफ चले, जैसे कोर्ट में देखते हम कि भाई 2 साल की शादी होती है फिर दोनों मियां बीवी अपने कोर्ट में लटक, उससे तो बढ़िया है सिंगल रहना। कम से कम फैसला अपना है,
कलेश, कोई पारिवारिक कलेश नहीं होता उसमें। अब कलेश कलेश के 20 साल अगर जिए तो वो क्या जिए, उससे बढ़िया अकेले अगर 5 साल जी लिए तो उनकी उसकी अहमियत ज्यादा हो जाती है। आप अपना एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं SSP, उसके बारे में। हाँ, वो दरअसल क्या है कि मैं कोई लाइफ में कुछ प्लान करके चला था कि मीडिया फाउंडेशन और प्लस प्लेसमेंट कंसल्टेंसी को, इन तीनों चीजों को मैं कॉम्बिनेशन को लेके अपना टारगेट लेके चला था। टारगेट तो कभी आने वाले समय में बताऊंगा। तो उससे क्या था कि प्लेसमेंट मैंने जो जॉब कंसल्टेंसी करी उसका उद्देश्य मेरा ये था कि बेरोजगार मेरे से जुड़े और उद्योगपति मेरे से जुड़े। तो और जो आपने बेरोजगार और उद्योगपति के बीच में एक ब्रिज का काम किया है, एक ब्रिज का काम किया है कि आने वाले समय में हो सकता है उद्योगपतियों में हमारी अच्छी उठपैठ हो जाए तो हम फाइनेंशियली राइज हो जाए, और बेरोजगारों को तो हम रोजगार दे ही रहे हैं। आज हमने लगभग 20-22 हजार के करीब लोगों को रोजगार दिया है, तो ये अचीवमेंट तो है ही। और मीडिया क्या है, मीडिया एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आदमी को जीवित रहने के लिए पब्लिसिटी की भी जरूरत पड़ती है। अगर वो पब्लिसिटी अपने आप को सोशली या समाज के अंदर अपने आप को हाईलाइट नहीं करता रहेगा तो नेचुरली उसको एक तरह से उसका पतन हो जाएगा। मतलब आज राजनीति नेताओं की अगर बात करते हैं कि नेता अगर स्टेटमेंट नहीं देगा, कमरे में बैठ जाएगा, तो फिर वो एक तरह से उसका सोशली डेथ है। चर्चाओं में रहना जरूरी है, चर्चाओं में रहना जरूरी है। तो मीडिया इसीलिए चाहिए। और फिर अंदर अपनी जो विचारधारा है, अपने अंदर माइंड में है, वो जब तक लोगों को नहीं पता लगेगी तो लोग कैसे सपोर्ट या इग्नोर, दोनों ही बात है। मतलब कोई अपोजिट करेगा, कोई फेवर करेगा, पता लगेगी जब भी तो करेगा ना, अगर पता ही नहीं लगेगी तो। तो इसलिए मीडिया एक साधन है, मीडिया को इसलिए मीडिया कहते हैं कि वो एक साधन है, किसी भी चीज के बीच की एक कड़ी है। और बात रही कि जो NGO फाउंडेशन के, उसका उद्देश्य हमेशा यही रहा कि इसका पैसा जहां से भी कहीं सपोर्ट मिले तो इस समाज के लिए हम लगाए इसमें। क्यों, आज सबसे बड़ी जो चीज है वो यूथ को भी गाइडेंस की जरूरत है, और फिर बाद में जो बाद में जैसे पेरेंट्स वगैरह हैं, जो पहले की जो हमारे से पहले की जो पीढ़ी है, आज उनके जो बच्चे हैं वो छोड़ के फॉरेन कंट्रीज में, और उनकी जो लाइफ है वो अकेले, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। तो ऐसी अपनी इच्छा है कि अगर फाउंडेशन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी तो सोशल प्रैक्टिकल वो काम करेंगे जिसको समाज की जरूरत है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए पवन जी, कि आपका मैरिड लाइफ कैसी है, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज है? देखो, मैरिज तो नहीं रही, मैरिज यूं नहीं हुई, 2-3 कंडीशन थी। पहली जो एक तरह से लगाव था वो भी वन में था, और दूसरा लगाव था वो भी वन में था। वन साइडेड लव रहा है, वन साइडेड ही कह सकते। पहले ये था कि किसी की अट्रैक्शन हमारे प्रति थी, लेकिन कहीं मतलब ऑब्जेक्शन था तो वो बात नहीं बनी, और दूसरी में थोड़ी सी हमने हिम्मत दिखाई तो सामने वाला अपोज में रह गया, वो बगावत पे करने लगा। तो आप अनमैरिड हैं। और तीसरी की बात कहें तो तीसरे को क्यों बोलते हैं, तीसरे की बात कहते हैं कि भाई सब कुछ ओके है, कहते हैं जी फलाने से पूछना पड़ेगा, फलाने से पूछना पड़ेगा, मगर वो भी पेंडिंग में। और अगर और कोई हो तो कह नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि कई बार रेलवे लाइन होती है, वो दो लाइनें पैरेलल तो चलती हैं लेकिन कभी आपस में नहीं मिलती, वो समय बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स।